देखिए बहुत महंगी प्लेस है, देखो 100 रुपये 60 रुपये 300 रुपये गर्ल्स छोटा सा बैंड साइकिल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और हमारी मुलाकात हो गई है। दोस्तों आज संडे का दिन, काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा संडे मिला जिसमें हम लोग जा रहे हैं घूमने। अभी हम लोग जाएंगे मेट्रो पे और देखते हैं कहाँ पर हम लोग को जाना, अभी कोई नहीं है प्लान। देखते हैं कहाँ पर जाते हैं, क्या है जगह। फ़िलहाल हम लोग आ गए अभी मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन के बाद आपको दिखाएंगे जहाँ भी जाएंगे, जो भी खरीदेंगे, जहाँ भी घूमेंगे। देखिए आ गया मेट्रो स्टेशन और देखते हैं क्या क्या होने वाला है आज। काफ़ी एक्साइटेड तो हूँ, क्योंकि नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और थोड़ा सा ऑफिस से अब फ्री हुआ हूँ तो एक दिन हम देखते कैसी भीड़ रहेगी, क्या लेना है क्या नहीं लेना। मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी हैं, बट वो इस चीज़ पर एग्री नहीं है कि वो वीडियो में आना नहीं चाहते, तो मैंने कहा ठीक है मत आओ। अभी हम लोग चल गए हैं मेट्रो वाली स्टेयर्स पे और इसके बाद हम लोग मेट्रो में बैठेंगे, प्लान करेंगे और उसके बाद चलेंगे। फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया है और मेट्रो कार्ड हम लोग का नहीं बना है, ये टिकट मिला है और मेट्रो कार्ड अभी नहीं बना है। अगले स्टेशन पर जाके मेट्रो कार्ड बनवाएंगे, उसके बाद जहाँ पर भी घूमना होगा वहाँ जाके घूमेंगे। अभी टिकट जो लिया है नांगोलोई करके एक जगह है, वहाँ का टिकट लिया। अभी ऊपर स्टेयर्स पे चल रहे हैं और उसके बाद जैसे ही मेट्रो आई बैठते हैं, चलते हैं, देखते हैं। अभी एक मेट्रो, अभी पता नहीं ये मेट्रो होगी वहाँ की कि नहीं होगी, तो समय पर ही पता चलेगा। क्योंकि लेन का लाइन काफ़ी अलग अलग होती है, येलो पिंक, ये हम लोग को करना पड़ेगा वेट, क्योंकि हमारी मेट्रो अभी नहीं आ रही है। तब तक आप देखिए कुछ मेट्रो के स्टेशन के व्यूज़ ऐसा है कुछ। एक और मेट्रो आ चुकी है पर ये भी मेट्रो अपनी नहीं है, देखते हैं कौन सी मेट्रो अपनी होगी। और काफ़ी आने वाले हैं मज़े, चलिए बिना किसी देरी के अपनी मेट्रो आती है उसमें बैठते हैं और दोस्तों वहाँ से आएगी मेरी मेट्रो और यहाँ पीछे हम लोग को जाना होगा। और ये देखो एक व्यू, ये हमारा रेलवे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन नहीं, काफ़ी गजब का लग रहा है। और एक और मेट्रो आ गई है बट वो मेट्रो मेरी मेट्रो नहीं है जहाँ हम लोगों को जाना है। और आज संडे है, वैसे भीड़ तो बहुत मिलती है, देखना आगे बहुत मिलेगी भी, और बट अभी नहीं है क्योंकि क्यों नहीं है ये तो हमें भी नहीं पता। पर देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो वहाँ और जूम हो जाएगा, हाँ हो गया 5x पे जूम, वो वहाँ से आएगी मेट्रो हमारी। और उसके बाद कितनी दूर है, और आप लोग बताइए सब कैसे हो और कैसे हो, साथ में ये बताओ कि एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी लाइफ में मज़े कैसे चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ें आप बताइए कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। क्योंकि सब कुछ जो भी हो रहा है यहाँ पर सब मेरे लिए फर्स्ट नया एक्सपीरियंस है, जॉब करना हो या फिर घूमना हो। क्योंकि मैं यार इससे पहले से घूमने के लिए आया था और कभी इतने दिनों के लिए या कभी ऐसा नहीं रहा कि नहीं आया। बाकी यहाँ से शेयर्स हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं क्या क्या होता है आज। एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा सा फियर तो रहता ही है, लूट ना ले, महंगा ना दे दे, क्योंकि कुछ सामान लेने हैं और उस फियर का भी कुछ नहीं कह सकते, उतना भी नहीं है। चलिए वेट करते हैं, बाकी आप लोग बताइए तब तक कमेंट में कहाँ कहाँ है। वो देखिए एक ब्रिज दिख रहा होगा आपको यहाँ से, वेट, ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज को क्रॉस कर, हाँ ये जो ब्रिज है, पुल है या ब्रिज है जो भी बोल लीजिए, इस ब्रिज को क्रॉस कर कर ही हम लोग जाते हैं ऑफिस। और आपको यहाँ से दूर बहुत एक रेडेड दिख रहा होगा, तो कुछ शायद आपको दिख भी रहा हो ना, और मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ वहाँ पर से। उसके ठीक वहाँ से थोड़ा सा लगभग आ गई हमारी मेट्रो, चलते हैं। दोस्तों मेरी मेट्रो आ गई है, हम लोग जा रहे हैं अंदर, पहले रुक तो जाए मेट्रो, जैसे मेट्रो रुकती है उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर। काफ़ी इंतज़ार के बाद आई मेट्रो, चलिए चलते देखते हैं मेट्रो में, अभी तो भीड़ लग नहीं रही है सर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नांगलोई
मेट्रो स्टेशन और अब यहाँ से जाने वाले एक शॉप पे जहाँ पर बड़ी मतलब मेरे फ्रेंड को लेना है कुछ सामान। देखते हैं वो कौन सी शॉप होगी, कैसा है यहाँ का माहौल और सारी चीज़ देखने के बाद देखते हैं क्या क्या रहेगा। यह है नांगलोई स्टेशन, हम लोग करने वाले हैं एग्ज़िट और उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं करोल बाग बाज़ार में। देखिए यह है बाज़ार और बहुत बढ़िया बाज़ार है, यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं बढ़िया बढ़िया सस्ती सस्ती, 100 रुपये 150 रुपये में। वहाँ मैंने देखा था एक बोट बोट भी मिल रहा है, अब अच्छी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे। ये देखिए दोस्तों हम लोग आ गए और वो जो देखो सामने दुकान है आप देख पा रहे हो, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, 100 150 150। अभी हम लोग घूम रहे हैं करोल बाग की गलियों में खाने के लिए खाना। और ये देखिए वहाँ पंजाबी स्वीट कॉर्नर, यहाँ पर देखो देख चुके हैं पर कुछ खाने को है नहीं रंग का, और भी बाकी बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पर। वो देखो एक डॉग शॉप है, वो मैं अभी गया था, काफ़ी बड़ी शॉप है और उस शॉप पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मतलब पेट एनिमल्स के लिए मिलता है। शैल वी गो देयर? तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखो लिवाइस का शोरूम है, उसके पीछे एक बैंक का, और ये करोल बाग में काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं और क्रिएशन करके भी कुछ है। और ये बच्चा देखो रास्ते में गिर गया, यहाँ पर मच्छन मोर करके है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें पंजाब से। अभी हम लोग आ चुके हैं लिवाइस के शोरूम में, यहाँ पर हम लोग को लेने हैं पैंट, उसके बाद ये है बॉयज सेक्शन। देखते हैं पैंट पसंद आएगा तो। ये देखो वहाँ पर रखे जा रहे हुक के, ये सारी कैप की दुकान है। तो मेरे दोस्त लोग खड़े हुए हैं कैप की दुकान पे, तब तक मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाता हूँ करोल बाग में। एक तरफ जहाँ 150 200 रुपये 150 रुपये में भी चीज़ें मिलती तो वहाँ 2-3 हज़ार की इस तरफ ट्रेमेंट हो गया, पीटर इंग्लैंड जैसे दिखाया था लिवाइस हो गया, बहुत बढ़िया बड़ी चीज़ें भी मिलती है। आप दोस्त ले लें कैब तो उसका चलते हैं आगे, वाइल्ड पर आप देखो और इतना होगा तो हर इस मार्केट में आपको ब्रांडेड बढ़िया चीज़ें भी मिलेंगी, महंगी चीज़ें भी मिलेंगी और सस्ती चीज़ें भी मिलेंगी। लाइक ब्रांड हुसैन, इट इज़ ऑल्सो अ ब्रांड, बहुत ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे, अच्छी मार्केट है ओवरऑल। कई आपको यहाँ पर जब आएंगे तो आपको क्लाइंट टाइप के लोग मिलेंगे, जब ब्रोकर टाइप के जो बोलेंगे भैया हमारी दुकान से ले लो हमारी दुकान से ले लो और इस तरह से। वो देखो आगे एक आपको रेड टेप भी दिखेगा, इस तरह की बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं तो काफ़ी लोग मिलेंगे भैया हमारे यहाँ से ले लो, पर जहाँ से आपका मन हो वहीं से लीजिएगा, किसी ब्रोकर के चक्कर में मत पड़िएगा। काफ़ी ब्रोकर उनसे पूछ चुके हैं भैया सूट ले लो मतलब शादी वादी वाला और कोट पैंट उस तरह की चीज़ें, तो मिल तो सब जाएगा यहाँ पर अपनी समझदारी और बुद्धि से रहना। देखो वाइल्ड क्राफ्ट का भी शोरूम है, पर्पल का भी, बहुत सारे हैं। चलो हम लोग काफ़ी आगे निकला है, हमारे दोस्त पीछे ही होंगे मुझे पता है। यह वेबसाइट भी अच्छा है, टाटा का है, यहाँ पर चलने लायक है। देखो उनको बुलाते हैं, अगर वो लोग चलते हैं तो फिर चलेंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा और मैं भी घूम लूँ यार, फर्स्ट टाइम मेरा भी है तो मैं भी घूम लेता हूँ, उसके बाद आपसे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, ठीक है। ये देखो दोस्तों यहाँ पर जूस वूस मिलते हैं और ये है कपड़ों की शॉप, और आगे भी आपको कपड़ों की दुकान मिलेगी और अच्छी अच्छी दुकानें हैं पर उसके रेट बहुत अच्छे हैं, मतलब 100 150 200 इस टाइप के भी मिल जाएंगे। तो ये देखकर भी आप ये मत सोचिए बहुत महंगी प्लेस है, देखो 100 रुपये 60 रुपये 300 रुपये गर्ल्स जीन्स, 150 रुपये, तो इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर हैं, गर्ल्स टॉप 99 लेडीज़ जीन्स, तो ऐसी तरह की भी हैं शॉप यहाँ पर।
बढ़िया बढ़िया। बर्गर किंग कहाँ है? करोल बाबा। चलो हम लोग फाइनली डन हो गया, बर्गर किंग ही जाएंगे, उन लोगों से बात कर लेंगे और जाएंगे बर्गर किंग। ये बाय वन गेट तो अच्छी जगह भी है, देखो यहाँ से ऐसे ये पूरी मार्केट ऐसे होगी जैसे ही आप मेट्रो वा सामने देख रहा होगा, ब्लू कलर का हुआ है मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से आप जैसे ही चलेंगे तो आपके उतरते ही लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा आपको करोल बाग बाजार। 200-300 मीटर होगा और बाकी चलो चलते हैं दोस्तों के पास। दोस्तों आज हम लोग करोल बाग में पास में ही एक देखो ये दृष्टि का हम लोगों ने वो देखा जो हमें मिला, दृष्टि IAS। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और जिसको IAS भी बनना है वो भी यहाँ पर आ सकता है, करोल बाग में भी है। मैं जूम कर रहा हूँ, 5x कर देता हूँ। ओह 5x इज जूम इन फ्रंट ऑफ माई साइड नॉट दिस साइड, तो वो आपको दृष्टि IAS दिख रहा होगा, बताता हूँ भाई। और वो तनिष्क के बगल में इतनी बड़ी बिल्डिंग दृष्टि IAS की है। तो भैया ये देखो कितना पुराना होटल टाइप का है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो करोल बाग की बाजार के बगल ही में ये जगह है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मेरा व्यू एंगल तो नहीं समझ आ रहा। तो करोल बाग बाजार के बगल ही में है ये एरिया, कोई दूर नहीं है, बस एक गली निकलेंगे तो दृष्टि IAS मिल जाएगा। तो जिन लोग को दृष्टि IAS जाना है, मैं लोग प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ पर जाना है तो जा सकते हैं। बाकी दृष्टि IAS से होकर इधर भी करोल बाग आ सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। और भी चीज़ें घूमना, बाकी देखो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा याद दिलाया आप लोगों ने, बर्गर किंग जाना है मुझे, लोगों से बात करते हैं और बर्गर किंग की ओर चलते हैं। छोटा सा वैन साइकिल, क्या ले लेना थोड़ा सा, क्या तो कम करो 100 के लायक। दोस्तों यहाँ पर देखो मम्मा अर्थ का भी एक बढ़िया सा पूरा शोरूम टाइप का बना है, तो ये चीज़ मैंने पहली बार यहाँ देखी, यहाँ के मतलब कहीं देखी नहीं, अपने सिटी में तो था नहीं कि मम्मा अर्थ जैसे ब्रांड का पूरा पूरा शोरूम हो, तो वो चीज़ अच्छी थी। और बाकी हम लोग चल रहे हैं यार खाने की तलाश में, खाना मिला नहीं था तो वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में खाना था ही नहीं। मेट्रो भी है, मेट्रो भी एक अच्छा ब्रांड है और चप्पल जूते मिलते हैं वहाँ पर, अच्छी जगह है ओवरऑल ये घूमने लायक, मतलब सस्ता इंसान और महंगे से महंगा इंसान यहाँ आ सकता है। माय फ्रेंड हाँ देखो 100-200 वाले भी चीज़ें हैं, ये देखो यहाँ पर चीज़ें हैं। सामने एक मंदिर है तो अच्छी प्लेस है, मैं बता रहा था कि अच्छी प्लेस है, खाने का चीज़ भी नहीं है बढ़िया बढ़िया, और बस कहाँ खाने की बात करो। डोसा जो था हम लोगों को वहाँ नहीं मिला, डोसा हो गया था वहाँ ख़त्म। अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं और जहाँ पे खाने को हम लोगों को कुछ ढंग का मिलेगा।